चलिए देखते हैं फॉर्मूलास और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस। पहला फॉर्मूला, यहाँ पे क्या हो सकती है वैल्यू? अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 हो जाएगा, क्यूब रूट है तो यहाँ 3 हो जाएगा, उस टाइप से प्रोसीड करेंगे। मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई हो, मान लो 5, हमने एग्जाम्पल लिया है 5। अगर हमने एग्जाम्पल लिया 5 और के की वैल्यू हमने 2 ले ली यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या? स्क्वायर रूट हो रहा होगा। यहाँ भी क्या हो रहा होगा? स्क्वायर रूट। इनफाइनाइट टाइम्स की बात करें और पावर अलग अलग करके बात करें, दोनों केस देखेंगे। यहां भी हम लोग एन के लिए बात करें, लेकिन यहां पे ए की वैल्यू कुछ अलग और यहां पे ए की वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी। सॉरी, ए की वैल्यू सेम रहेगी, के की वैल्यू अलग हो जाएगी। यहां पे बात समझ में आ गई? अब तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, चलो देखते हैं। अब देखो फॉर्मूला क्या है, ए टू द पावर 1 अपॉन के माइनस 1, ए टू द पावर 1 अपॉन के माइनस 1। जब पावर 2 हो रही थी, ये वाला पहला केस है हम लोगों के पास, जब पावर 2 थी तो हम लोग क्या डायरेक्ट वही लिख देते थे, मतलब आंसर क्या है हमारा 5, है ना? अगर याद करना है तो 5 टू द पावर 1 अपॉन के की वैल्यू क्या है, देखो अगर 2 है तो यहां 2 माइनस 1, तब जाके ये 5 की पावर 1 आया था, 5 की पावर 1 अपॉन 1 आया था, तब जाके ये आंसर आया। बी वाले का आंसर निकाले, यहां पे क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू 5 है, हमने लिख दिया 5 टू द पावर 1 अपॉन के माइनस 1, 1 अपॉन के मतलब 3, 3 माइनस 1, इसका मतलब 5 टू द पावर 1 बाई 2 हो जाएगा, है ना? 5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 1 बाई 5 टू द पावर 1 अपॉन 2 हो जाएगा इस केस में। बात समझ में आ गई ना? बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इनफाइनाइट टर्म्स है और ये के अगर है तो। यहां के है लेकिन यहां इनफाइनाइट था, यहां पे एन था, यहां पे इनफाइनाइट था, यहां पे एन था। तो अब देखो ये चीज यहां से कैसे निकली है ना, ये जो चीज है ना, इससे ये चीज निकल के आई। अब देखते हैं कैसे। देखो यहां पे एन को अगर हम बोल दें इनफाइनाइट टर्म्स, अगर ये यहां पे 4 टाइम्स है, यहां पे 4 टाइम्स है, तो एन की वैल्यू 4 रख देंगे। अगर एन की वैल्यू क्या हो जाए, इनफाइनाइट, मतलब पहला वाला जो केस है वो इस केस का स्पेशल केस है ना। अब देखो यहां पे 1 अपॉन के माइनस 1, या के टू द पावर एन है, जब एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो किसी की भी पावर इनफाइनाइट क्या हो जाता है, किसी की भी पावर इनफाइनाइट हो जाता है इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा 0, है ना? देखो अगर इनफाइनाइट की बात करें तो 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, के माइनस 1। अब 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी होता है 1 अपॉन 0, इन्फिनिटी क्या होगा, 1 अपॉन 0, इसकी जगह 1 अपॉन 0 रख देंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन 0 के माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से अगर देखें तो ए टू द पावर 1 अपॉन के माइनस 1, यही आ गया। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी 1 हो जाएगी, या फिर बोल दें ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए टू द पावर 1 अपॉन के माइनस 1। क्लियर? तो अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है अगर हम लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वाला फॉर्मूला भी याद रखे ना और थोड़ा सा दिमाग लगा ले एंडिंग में, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड में के माइनस 1 है। अब देखते हैं क्वेश्चन, यहां कर लेते हैं इसे। पहला वाला फॉर्मूला देखें, अगर 1 माइनस 1 अपॉन के टू द पावर एन है ना, तो 5 टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर एन, मतलब के मतलब क्या है 2 और एन मतलब 4 बार 4 टाइम्स, डिवाइडेड बाय ये 2 है तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, के माइनस 1 हो जाएगा ना, के माइनस 1 हो जाएगा, और ये कितना है हम लोगों के पास 4 4, ठीक है? तो यहां से आंसर आ जाएगा 15/16, यही आ रहा था है ना, यही आ रहा था ना, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, जब यहां 16 आया था तो 1 कम आ रहा था 15, अगर यहां 2 है तो 3 वाला केस है, तो यहां क्या आ जाएगा 5 टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन k टू द पावर मतलब 3 टू द पावर n, कितनी बार, 4 बार, और यहां 3 है k माइनस 1, 3 माइनस 1, 5 टू द पावर 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27 81, 81 माइनस 1 कितना हो जाएगा 80, 80 बाय ये 2 हो जाएगा इंटू ये 3 की पावर 4, इसका मतलब आंसर आएगा 5 की पावर 40/81। बात समझ में आ गई? अगर वो बड़े क्वेश्चंस देगा, यहां पावर बढ़ाते जाएगा, तो हम लोगों के इसमें यहां पे क्या हो जाएगा, ये बढ़ती जाएगी ये वाली पावर। बात समझ में आ गई? तो ये फॉर्मूले हैं, इन्हीं पे बेस सारे क्वेश्चन बनते हैं, और देखा जाए तो सिर्फ फॉर्मूले कौन से हम लोगों के पास, ये वाला फॉर्मूला है एक,
इसी से हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने प्लस और माइनस वाला केस किया था तब हम लोगों ने क्या किया था कि तब हमने पावर यहाँ पे 3, 4, 5 स्टेप से पावर का यूज नहीं किया था, क्योंकि वहां यूज करेंगे तो दिक्कत ये होगी हमारे पास कि वहां पे बनती है इक्वेशन, वहां पे क्या बनती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब पावर हमारी कितनी होती है 1/2 या फिर स्क्वायर रूट होता है। मान लीजिए वो पावर क्या होगी, 3 हो गई या 4 हो गई, तो वहां पे क्यूब रूट में इक्वेशन बनेगी, पावर 4 या 5 में इक्वेशन बनेगी। तो जितना बड़ा हमारे पास क्या होगा, नंबर होगा, k की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी पॉजिटिव नेगेटिव के केस में हमारा क्वेश्चन, हमारा आंसर निकालना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इसलिए वहां पे क्वेश्चन जो बनते हैं वो पावर 1/2 पे ही बनते हैं, मतलब स्क्वायर रूट पे बनते हैं, ठीक है। तो मेन हमारा काम क्या, हमें क्या चीज याद रखना है, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला हमने याद रख लिया तो इनफाइनाइट के लिए भी सॉल्व हो जाएगा, पावर कुछ भी हो, k की वैल्यू कुछ भी हो सॉल्व हो जाएगी, और n कितना भी हो सॉल्व हो जाएगा। तो हमें मेन फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, क्लियर है। अगर ये फॉर्मूला याद रखिए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। समझना एक चीज, मान लो हमने लिखा 4 और ये है अंडर रूट में, 4 है अंडर रूट में, और यहां पे इसकी पावर लगी हुई है, किसकी, 4 की पावर लगी हुई है 3, है ना, इस टाइप से लिखा हुआ है, मतलब अंडर रूट 4 की पावर है हमारे पास, मान लो 3 है। अब ये पूरा किसके अंडर में है, अगर पूरे का हम लोग क्या ले लें, फिफ्थ रूट ले लें, और फिफ्थ रूट लेने के बाद, फिफ्थ रूट लेने के बाद मान लो हमने पावर चढ़ा दी कितनी, 7 चढ़ा दी पावर, क्या चढ़ा दी हमने, पावर 7 चढ़ा दी। फिर इस पूरे का क्या ले लें हम लोग, मान लो 8th रूट ले लिया हमने, क्या ले लिया, 8th रूट ले लिया, और इसके ऊपर भी हमने क्या चढ़ा दिया पावर, मान लो 4 चढ़ा दी पावर, है ना, कुछ भी मान सकते हैं हम लोग। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो तरीका देखते हैं। देखो सबसे पहला तरीका, यहां पे अगर हम इसे देखें, अगर हम देखें तो ये क्या है 4, अब ऐसा नहीं कर देना, मान लो यहां पे 5 ले लेते हैं, चलो 4 होगा तो फिर आप लोग क्या करोगे, अंडर रूट ले लोगे, 4 का 2 आ जाएगा, मान लो यहां पे क्या है 5 है, हमने देखा कि 5 अंडर रूट में है तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन इस पूरे के सॉल्व करने के बाद पावर 3 लगा दी हमें, इसका मतलब यहां पे पावर 3 हो जाएगी, तो ये बन के आ जाएगा 5 to the power 3/2। बात समझ में आई, क्या आ जाएगा 5 to the power 3/2, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब ये रिजल्ट आ गया हमारे पास, अब इसके आगे क्या लगा हुआ है, फिफ्थ रूट लेना है, कौन सा, फिफ्थ रूट, और उसकी पावर, फिफ्थ रूट है इसकी पावर है 7, भाई ये अंदर वाला सॉल्व किया ये, फिर उसके बाद फिफ्थ रूट लिया इसका और पावर लगा दी 7। फिफ्थ रूट लेने का मतलब क्या है, फिफ्थ रूट लेने का मतलब क्या है कि इसकी पावर हमने 1/5 कर दी, कितनी कर दी, 1/5 कर दी, ये कितना हो जाएगा, देखो तीनों मल्टीप्लीकेशन में होंगे, पहले इसे सॉल्व कर लें अगर, तो यह जाएगा 3/10, फिर ये कितना है 7, तो ये कितना आ जाएगा 5 to the power 21/10। अब ये जो 5 to the power 21/10 आया ना, इसका 8th रूट लेना है, है ना, क्या लेना है, 8th रूट लेना है, तो डायरेक्ट लिख दें 8th रूट मतलब 1/8 लेना है, और पूरे की पावर हमने चढ़ा रखी है 4, तो ये कितना हो जाएगा 5 to the power, इसे सॉल्व करेंगे पहले तो 21/80 आ जाएगा, और इसकी पावर क्या चढ़ी है 4, देखा जाए तो ये आ जाएगा 4 से 80 कैंसिल हो जाएगा, देखो तो 21/20 आ जाएगा, 21/20 आ जाएगा। अब एक्चुअल में ये कहां से आया, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो a की वैल्यू कितनी है हमारी 5, ठीक है, इस टाइप से जाओ और एक में इस टाइप से जाओ, क्लियर। ऊपर क्या, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 5 to the power 3 into 7 into 4, यही करते हैं, है ना, जब भाई 4 का स्क्वायर लिखना है तो ऊपर लिख देंगे या फिर 1/2 करेंगे, उसका स्क्वायर है तो 1/2 नहीं कर सकते ना हम लोग, पावर 2 लगाएंगे हम लोग, तो ये क्या है पावर बढ़ते चले गई 5 की, और इधर क्या हो गई डिक्रीज होती, ये नीचे करेंगे हम लोग 2 into 5 into 8, देखो 3 into 7 into 4 2 into 5 into 8, ये हो जाएगा 2 times, तो 5 to the power 7 3 are 21 और 5 2 are 10 10 2 are 20, डायरेक्ट यहां से आंसर मिलेगा हमें। बात समझ में आ गई, कुल मिला के बोलने वाली बात ये है, क्या समझे हम लोग यहां से, कि अगर मान लो हमारे पास क्या चीज दी गई है, अगर हमारे पास चीज दी गई है, इसे हम मिटा देते हैं,
मान लो हमारे पास दिया गया है, मान लो दिया गया है a, इसका अंडर रूट लगा हुआ है, यहां पे मान लो कितना है x है, और ये पावर कितनी मान ले हम p मान लेते हैं, फिर पूरे के इसमें अंडर रूट लगा हुआ है और पावर है q, पावर है q और इसे हमने बोल दिया y, फिर पूरे के अंडर रूट बोल सकते हैं उसे, उसमें कितना है x y और z मान लिया, और यहां पे हमने बोल दिया कि पूरे की पावर कितनी है पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर बोल सकते हैं इसे, पी क्यू आर, बात समझ में आई, मतलब अंडर रूट एक्स, इसका एक्स कौन सा लेना है, एक्स रूट लेना है ना, मतलब ए टू द पावर वन बाई एक्स, फिर उसकी वन बाय वाई, फिर वन बाय जेड, तो वन 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 अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन वाई इंटू वन अपॉन जेड अगर लेंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन अपॉन एक्स वाई जेड बोलेंगे उसको, अगर यहां पे कुछ नहीं होता वन 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 होता मतलब, तो वन अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू जेड हो जाता, चूंकि यहां पे एक पी क्यू और आर भी है तो ऊपर मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे हम लोग क्या लिखते हैं टू टू, फिर हमने बोल दिया टू, पहले से मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये इससे अच्छा हम टू इंटू टू इंटू टू कर दो, टू टू सा फोर टू सा एट, टू की पावर कितना हो जाएगा एट, ये आ जाएगा आंसर, है ना। अब इसका फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला बॉक्स में अगर हम रखें इसे तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका, डायरेक्ट ए टू द पावर पी इंटू क्यू इंटू आर, यहां से हम इधर चले और यहां से इधर चले, कितना आ जाएगा पी इंटू क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय एक्स इंटू वाई इंटू जेड, इंपॉर्टेंट चीज है याद रखनी पड़ेगी, है ना भाई, इस टाइप से लिखा तो डायरेक्ट ए की पावर पी क्यू आर पी इंटू क्यू इंटू आर और डिवाइडेड बाई एक्स वाई जेड, क्योंकि जो स्क्वायर रूट है वो वन अपॉन टू है, क्यूब रूट है वन अपॉन थ्री है ना, वन के अपॉन में ही लिख रहे हैं ना हम लोग, तो हमने लिख दिया यहाँ पे वन के अपॉन में, मान लो ये वन है, वन अपॉन में एक्स, वन अपॉन में वाई, वन अपॉन में जेड, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आएगी चीज, न्यूमरेटर में कौन सी चीज आएगी स्क्वायर वाली, स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, पावर फोर कर दी, तो ये ऊपर वाले में लिखते हैं ना हम लोग और नीचे वन आ जाएगा, बात समझ में आ गई, तो दोनों को कंबाइन अगर हम कर दें तो ये वाली चीज हमारे पास बनने वाली है, तो याद रखना इस टाइप से अगर दिया गया है तो उसका डायरेक्ट आंसर ये निकलेगा, ठीक है, सॉल्व किया हमने अभी किस टाइप से करना है हमें, क्लियर है, डायरेक्ट ये चीज याद रख लेंगे तो आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है अंडर रूट फोर प्लस टू रूट थ्री, रूट फोर प्लस टू रूट थ्री, है ना, पूरा रूट फोर प्लस टू रूट थ्री के ऊपर है। अब अगर हमें इसे क्या करना है, अगर हमें इसे सिंप्लीफाई करना है या फिर स्क्वायर रूट जो है वो उसे कैंसिल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये कैंसिल कब हो पाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल कब हो पाएगा, जब हमारे पास क्या हो, स्क्वायर रूट इस चीज से कैंसिल हो जाता है ना, अगर अंडर रूट है तो पावर टू लगा दो, क्यूब रूट है तो पावर थ्री लगा दो, तब जाके अंडर रूट या फिर स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा करना है हमें इसे हटाना है, अगर हमें हटाना है, मान लो हमारे पास क्या दिया गया है, ये ए प्लस बी दिया गया है, ए प्लस बी दिया गया है, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग इसे पी प्लस क्यू दिया गया है, तो पी प्लस क्यू की फॉर्म में हमें इसे लिखना है, है ना, P की वैल्यू पता लगानी है और Q की वैल्यू पता लगानी है। अब ऐसा करना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखो इसे स्क्वायर रूट को अगर कैंसिल करना है, क्योंकि यहां स्क्वायर रूट नहीं है, यहां स्क्वायर रूट है, कैंसिल करना है, तो ये कैंसिल कब हो पाएगा, जब ये किसी का स्क्वायर बन रहा होगा, अगर यहां ऐसा लिख देते 3 तो ये कैंसिल कब हो पाता, जब यहां क्यूब बनता किसी का, बात समझ में आई। अब देखो करना कैसे, हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यही बनाना है हमें, यही चीज बनानी है, यहां पे स्क्वायर से रूट कैंसिल करवाना है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ऑफ ए बी, ये होता है फॉर्मूला। हमने एक चीज देखी यहां से कि हमारे पास क्या है, हमारे पास टू और टू यहां भी है, इसका मतलब ए बी की वैल्यू रूट थ्री आ जाएगी, इसका मतलब ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट थ्री आ जाएगी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या रहा होगा, ये रहा होगा हमारे पास 4, क्या रहा होगा 4, बात समझ में आ गई। अब ऐसे दो नंबर देखो जिनका मल्टीप्लीकेशन रूट थ्री हो, है ना, हमने लिख दिया रूट थ्री इंटू वन, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, हाँ ये बन सकता है, इसका मतलब हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, ए बी की वैल्यू रूट थ्री, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 और b की वैल्यू रूट थ्री,
कुछ भी बोलो, अगर a की वैल्यू 1 है तो b की रूट 3, या a की रूट 3 है तो b की 1, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करना है। अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे इसे बोल दें हम, तो कितना हो जाएगा ये a मतलब 1 प्लस किसका रूट 3 का होल स्क्वायर। बड़ी आसानी से हमने क्या किया, इसे 1 प्लस कितना लिख दिया, 1 प्लस कितना लिख दिया इसे रूट 3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब p में से कोई भी वैल्यू, मान लो यहाँ पे रूट 3 दिया होता, क्या दिया होता रूट 3, और p और q की वैल्यू पूछती, तो p की वैल्यू 1 हो जाती और रूट 3 वाले के साथ इसका कॉफिशियंट क्या है 1, तो q की वैल्यू 1 हो जाती। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। हमें बनाना क्या होता है एक्चुअल में, एक 2ab का फॉर्म बनाना पड़ता है। अगर नहीं बन पा रहा है तो हमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, तब अगर वो बन पाता है तो ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे हमें मान लो कुछ और दिया गया हो और ऐसा नंबर दिया गया हो जिसका प्रोडक्ट हमें निकालना है, जैसे यहाँ ए और बी है, इसका प्रोडक्ट हमने देखा रूट 3 आ रहा है। मान लो कोई बड़ा नंबर होता, मान लो ए और बी की वैल्यू मान लो 24 हो जाती, ठीक है, तो बहुत सारे पॉसिबल केसेस बन सकते हैं। 24 इंटू 1 बन सकता है, 12 इंटू 2 बन सकता है, 6 इंटू 4, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं यहाँ से। तो हम ए और बी कौन सा चुने, अगर a 12 चुना तो b को 2 चुनना पड़ेगा, अगर a को 6 चुना तो b को 4 चुनना पड़ेगा। ऐसे हमें a और b चुनना है, है ना, जिनका स्क्वायर का समेशन क्या आ जाए, जो हमारे पास नंबर दिया गया है वो आ जाए, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो आ जाए, तब जाके हम उसे चूज कर लेंगे। क्लियर है? और ये भी देखेंगे मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है उसका, वहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टर्स निकाल के, है ना। तो यहां से इस टाइप से हमारा ये क्या रहने वाला है, प्रोसीजर रहने वाला है, ठीक है। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व। 14 प्लस 6 रूट 5, ठीक है, ये मान लो अंडर रूट है, हमें इसे हटाना है, या फिर बोल सकते हैं स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने देखा कि यहां पर रूट 5 है, अगर स्क्वायर हो रहा होता तो अगर कहीं भी रूट दिख जाए ना, अंडर रूट कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब कि इसका स्क्वायर नहीं हुआ है। अगर स्क्वायर हुआ होता तो उसका अंडर रूट थोड़ी होता वहां पे, मान लो रूट 2 दिख जाए, है ना, अगर स्क्वायर हुआ होता तो वो रूट 2 नहीं, वो 2 होता, एक्चुअल में रूट 2 नहीं होता। इसका मतलब कि यहाँ पे स्क्वायर नहीं हो रहा होगा, स्क्वायर नहीं हो रहा होगा इसका मतलब वो ए बी वाला पार्ट है, ए बी वाला पोर्शन है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये है। इसका मतलब हमने लिखा इसे 14 प्लस 2 तो लिखना ही है, बचा क्या 3 और रूट 5। अब इसे फर्दर ब्रेक कर सकते हैं क्या हम लोग, फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। मान लो 3 की जगह 6 हो जाता तो हम लोग ये कर सकते थे, मान लो 6 रूट 5 हो जाता तो हम लोग ये कर सकते थे कि भाई 2 रूट कितना लिख दें, इसे 2 रूट 5 लिख दें और इसे 3 लिख दें, या फिर ऐसा लिख सकते थे 3 रूट 5 और 2 लिख दें, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो अलग अलग आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 से 20, 29 आया। देखो ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 3 9, 9 5 45, ये 45, ये आया 29, ये आया 49। तो हमें वो वाला पेयर चूज करना पड़ेगा जो हमें करेक्ट आंसर दे दे। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे तो दोनों नंबर क्या है, ये को प्राइम नंबर है, कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है। जब कॉमन नहीं निकले तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब कॉमन नहीं निकलेगा तब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा हमारे पास, तो हमें उसे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फैक्टर है तभी को प्राइम है, ठीक है। इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा होगा कि a की वैल्यू 3 हो रही होगी और b की रूट 5 हो रही होगी, या a की रूट 5 और a की रूट 5 और b की 3 वैल्यू रही होगी, कुछ भी बोल सकते हैं, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 प्लस 5 14 हो जाएगा, इसका मतलब कि हाँ a प्लस b का स्क्वायर बन पा रहा है, यहां से इसका स्क्वायर बन पा रहा है, और ये किसके अंडर में है, अंडर रूट है ना, कैंसल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस रूट 5, ठीक है। यहां देखते हैं कितना है ये 7 माइनस 2 ए भी तो बनाना ही पड़ेगा, हाँ ठीक है, डायरेक्ट दिख गया 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 प्लस 3 7, इसका मतलब ये क्या रहा होगा हमारे पास 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, अंडर रूट कैंसल हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब देखो ऑप्शंस अगर हमें दिए जाते हैं, मान लो ऑप्शन में दिया होता 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, और क्या दिया होता, मान लो 1 माइनस रूट 3 दिया होता, या डी दिया होता रूट 3 माइनस 2 दिया होता, रूट 3 माइनस 2 दिया होता, ठीक है।
अब देखो अंडर रूट की बात आ गई यहाँ पे, बात ध्यान से समझ रहे, अंडर रूट की बात आ रही है, मतलब इस चीज की वैल्यू की बात आ रही है ना। अब हमने यहां पे क्या किया, देखो 2 माइनस रूट 3 आ गया हमारा, तो यहां से आंसर हमने लगा दिया टिक। अगर हमने ये सॉल्व नहीं किया होता और डायरेक्ट हमें पता लगाना होता कौन सा है, तो हम लोग क्या करते भाई, 2 का स्क्वायर करते 4 और 3 का स्क्वायर करते रूट 3 का स्क्वायर 7। तो हमने बोला हाँ समेशन 7 आ रहा है इन दोनों केस में, ये तो रिजेक्ट कर देते, 3 + 1 = 4 हो जाता है ना, रिजेक्ट कर देते ये, तो बचे वो दोनों वैल्यू और ये तीसरा डी वाला ऑप्शन। अब यहाँ पे पॉजिटिव है a² + b² + 2ab, यहाँ पे -2ab है, तो प्लस वाला तो हो ही नहीं सकता है ना, a + b का होल स्क्वायर है, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर होना चाहिए, तभी तो a² + b² - 2ab, तभी तो यहाँ माइनस साइन का, माइनस का साइन है यहाँ, लेकिन यहाँ भी माइनस का साइन है ना, यहाँ भी क्या है माइनस का साइन है हमारे पास। तो हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे, हम लोग कौन सी वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो ये क्या हो सकता है √3 - 2 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर 2 - √3 का स्क्वायर हो सकता है। देखो दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा ना भाई, इसे सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 + 2 = 4 - 7 - √3, यहां से करेंगे तो ये भी 7 - √3, दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है, दोनों में क्या आएगा आंसर सेम आएगा। अब चूंकि ये अंडर रूट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अंडर रूट की, हम पॉजिटिव वैल्यू लेना प्रिफर करेंगे है ना, क्या लेंगे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे √3 1.732 के आसपास वैल्यू होती है, -2 तो ये नेगेटिव वैल्यू चली जाएगी, ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, हालांकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे पॉजिटिव आंसर को चूज करेंगे, बात समझ में आ गई, हमेशा क्या करेंगे पॉजिटिव आंसर को। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या सिर्फ एक ही टाइप का ऑप्शन दिया रहता है, इस टाइप से नहीं दिया होता है कि हमें कंफ्यूजन हो, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमें कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करनी है, पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है, अंडर रूट है तो उसे कैंसल आउट करवाना है, तब जाके इस टाइप की वैल्यू निकलेगी, या फिर दूसरा तरीका ऑप्शन में से देख लो कैंसल आउट करना कैसे, ठीक है, अभी हमने देखा कैसे कैंसल आउट करते हैं हम लोग।